गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री बी एल मेमोरियल अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास सेकंड का जीकी का चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे और पेज नंबर है 21। तो चैप्टर का नाम है डांस फॉर्म क्रॉसवर्ड। आज हम हमारे भारत के डांसेस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से हमारे कौन कौन से स्टेट के कौन कौन से डांस है। इंडिया इज फेमस फॉर इट्स कल्चर। हमारा भारत अपनी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। एंड डांस इज अ पार्ट ऑफ इट्स कल्चर। और डांस हमारी संस्कृति का एक पार्ट है। द नेम्स ऑफ द फेमस इंडियन डांसेस आर हिडन इन द गिवन क्रॉसवर्ड पजल, फाइंड देम। आपको क्या करना है, नीचे एक पजल दी गई है। पजल में आपको क्या करना है, नीचे सेंटेंस को पढ़ के, नीचे क्वेश्चन को पढ़ के इस पजल को कंप्लीट करना है। पजल में क्या आएंगे, डांसेस के नाम आएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ के फिर इसका पजल को कंप्लीट करना है। तो देखिए, सबसे नीचे आपको नीचे क्या दिखाई दे रहा है, एक्रॉस और डाउन, ठीक है। तो पहले अपन एक्रॉस वाली पजल को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए नंबर थर्ड, इट इज़ ए डांस फॉर्म ऑफ महाराष्ट्र। ये कहाँ का डांस है, ये महाराष्ट्र का डांस है। कहाँ का है, महाराष्ट्र का डांस है। तो नंबर थर्ड में आपको कहाँ लिखना है, देखो लेफ्ट से राइट में लिखना है, ठीक है, नंबर थर्ड पर। तो देखिए नंबर थर्ड पर ये क्या लिखा हुआ है, लामनी। क्या लिखा हुआ है, लामनी। तो आपको लिखना है LAVANI, लामनी। ये कहाँ का डांस है, ये महाराष्ट्र का डांस है, ठीक है। पजल में आपको लामनी से इस पजल को कंप्लीट करना है लिख के। फिर नेक्स्ट, इट इज़ अ डांस फॉर्म प्लेड ऑन नवरात्रा। और ये कौन सा डांस है, ये नवरात्रि में किया जाने वाला डांस है, ठीक है। नंबर फोर पे देखिए, क्रॉस में लेफ्ट से राइट में क्या लिखोगे, गरबा लिखोगे। नवरात्रि पर कौन सा डांस किया जाता है, नवरात्रि पर गरबा किया जाता है, ठीक है ना। तो आपको क्या लिखना है, GARBA, गरबा, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर फिफ्थ, इट इज़ ए डांस फॉर्म ऑफ तमिलनाडु। ये कहाँ का डांस है, ये तमिलनाडु का प्रसिद्ध डांस है, नंबर फिफ्थ। तो नंबर फिफ्थ आप क्या लिखोगे, देखिए मैंने लेफ्ट से राइट में क्या लिखा है, मैंने लिखा है भरतनाट्यम। क्या लिखा है, भरतनाट्यम। तो आपको लिखना है, आपको भी स्पेलिंग को कंप्लीट करना है, BHARATANATYAM, क्या बनेगा, भरतनाट्यम। ये कहाँ का डांस है, ये तमिलनाडु का प्रसिद्ध डांस है। फिर नेक्स्ट नंबर एट, इट इज़ ए डांस फॉर्म विद द सेम नेम एज ऑफ वन ऑफ द स्टेट। ये किसके, एक स्टेट के नाम पर रखा गया, इस डांस का नाम स्टेट के नाम के ऊपर रखा गया है, नंबर एट। तो देखिए स्टेट के नाम पर कौन सा डांस रखा गया, ये है ओडिसी। कौन सा डांस है, ये ओडिसी। स्पेलिंग होगी नंबर एट पे देखिए, ODISSI, क्या बनेगा, ओडिसी, ठीक है। अब आपको लिखना है, अब आपको देखो नीचे लिखा हुआ है डाउन, ठीक है। अब इस पजल को कंप्लीट करना है, इस क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। फिर इसको पढ़ के अपन को पजल को कंप्लीट करना है। तो देखिए ये है, इट इज़ अ डांस प्लेड विथ टू स्टिक्स। ये कौन सा डांस है, ये है टू स्टिक, यानी कि दो स्टिक के साथ में किया जाने वाला डांस है। तो आपको पता ही होगा ये कौन सा है, नंबर वन पर। तो देखिए नंबर वन पर आपको क्या करना है, क्या लिखना है, डांडिया। कौन सा डांस है, ये डांडिया। स्पेलिंग आपको लिखनी है DANTYA, क्या बनेगा, डांडिया, ठीक है। यानी कि दो स्टिक के साथ किया जाने वाला डांस कौन सा है, डांडिया है। फिर नेक्स्ट, इट इज़ ए डांस ऑफ केरला विद एल्बोरेटेड कॉस्ट्यूम एंड मेकअप। ये कहाँ का डांस है, ये केरला का डांस है, जो विशेष कॉस्ट्यूम और मेकअप के साथ किए जाने वाला डांस है, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, नंबर सेकंड में देखिए आपको ऊपर से नीचे लिखना है, ठीक है। तो कौन सा, ये है कथकली। कौन सा डांस है, ये है कथकली। इसमें एक विशेष वेशभूषा होती है और इसके साथ इसका मेकअप भी उसी टाइप का होता है। तो ये डांस है कथकली। स्पेलिंग आपको लिखनी है KATHAKALI, क्या बनेगा, कथकली, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इट इज़ अ डांस ऑफ मणिपुर। ये कहाँ का डांस है, ये मणिपुर का प्रसिद्ध डांस है, ठीक है। नंबर सिक्स, तो नंबर सिक्स में देखिए ऊपर से नीचे आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है मणिपुरी। क्या लिखना है, कौन सा डांस है, ये मणिपुरी। स्पेलिंग होगी MANIPURI, क्या बनेगा, मणिपुरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर सेवन्थ, इट इज़ अ डांस ऑफ असम। तो ये किसका का डांस है, ये असम का डांस है, ठीक है, नंबर सेवन। तो नंबर सेवन पर आप क्या लिखोगे, नंबर सेवन पर आप लिखोगे बिहू। कौन सा डांस है, ये बिहू। ये आप लिखो, स्पेलिंग क्या लिखोगे, BIHU, बिहू। कौन सा डांस है, ये असम का डांस है और इस डांस का नाम है बिहू, BIHU, बिहू, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पजल को अच्छे से जैसे मैंने बताया है वैसे पजल को कंप्लीट करना है और साथ में आपको इस चैप्टर को लर्न भी करना है। अब इसके आगे जो न्यू चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।